चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुख करें हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कांग्रेस पर निशाना, मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी सरकार में बिना पर्ची खर्ची नौकरियां मिल रही हैं, उन्होंने ये कहा। इसके साथ ही पढ़े लिखे युवाओं का टैलेंट बाहर आ रहा है, ये बात मनोहर लाल कहते नजर आए जब बीजेपी की तारीफ उन्होंने की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रामक प्रचार का जवाब अब जनता देगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जहां बीजेपी के कार्यकाल की तारीफ की तो वहीं कांग्रेस पर वो निशाना साधते नजर आए। मनोहर लाल ने कहा कि अब तो बीजेपी सरकार में जहां बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस में क्या हाल था सभी जानते हैं। पल्ले ना दाने कांग्रेस चली भुनाने, ये तंज कांग्रेस पर कसते नजर आए मनोहर लाल। इस बात को लगातार हरियाणा का युवा भुगत रहा था कांग्रेस के समय में, और जिसमें से हमने उनको बाहर निकाला और आज एक पढ़ा लिखा युवक उसका जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, उसकी योग्यता बाहर आ रही है, योग्यता वाले बच्चे इस प्रकार से नौकरी लग रहे हैं। अभी मैं एक सरदार जी यहाँ खड़े हैं और उनके दो बच्चे, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी नौकरियां जो दी हैं हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये विषय सिर चढ़ करके, जादू सिर चढ़ करके उनके बोल रहा है। और इसको अगर वापस वो करेंगे तो हमको तो ये अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से जनता उनसे निश्चित रूप से उनके मनसूबे समझेगी। ये तो कहते हैं ना कि ना पल्ले दाणे और चली भुनाने, मैं बीच का शब्द नहीं बोल रहा, कांग्रेस चली बुनाने उन्होंने कमले भी से आने। तो इस प्रकार का भ्रामक जो प्रचार कर रहे हैं, ये विपक्ष के नाते उनको करने में दिक्कत नहीं है, करेंगे ही, लेकिन जनता सब समझती है इसका जवाब।